Good afternoon, children. A very good afternoon to all of you. बेटा, कल हमने काले मेघा पानी देव पाठ के लेखक धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने काले मेघा पानी देव पाठ का सार किया, जिसमें ये बताया गया कि जो लेखक है, लेखक धर्मवीर भारती, वो इस बात से बहुत ही परेशान है कि लोग ऐसे पाखंड क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे पाखंडों से ही लेखक कहते हैं कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने रहे और उनसे पिछड़ गए। ये इस पाठ में यही बताया गया है कि अगर इंद्र सेना इंद्र देवता से पानी मांगती है तो फिर पानी की बर्बादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन लेखक की जीजी समझाती है कि जो कुछ हम देंगे दान में देंगे, क्योंकि ऋषियों मुनियों ने भी कहा है कि दान जो है वो सबसे बड़ा दान है, महादान कहा जाता है, कि पहले खुद दो तभी देवता चौगुना करके लौटाते हैं। और इसीलिए लेखक को ये बात समझ में नहीं आती। लेखक कहते हैं कि अगर तुम दान देने की बात कहते हो या खुद पहले दो और फिर तुम्हें भगवान देवता देंगे, तो क्या हम देश के लिए हम क्या देते हैं, देश के लिए हम क्या करते हैं और देश से हम इतनी उम्मीदें रखते हैं। यहाँ पर लेखक को इस बात का प्रश्न चाहिए कि हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपने आप को हम नहीं देखते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गधी फूटी की फूटी रह जाती, बैल प्यासे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति कब बदलेगी ऐसा कोई नहीं जानता, लेखक धर्मवीर भारती ये कहते हैं। आइए आज हम इसी के कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करते हैं। जो अर्थ ग्रहण संबंधी बेटा प्रश्न है, वो उसके लिए सबसे पहले हम अगर पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल नहीं होता। और आप लोग सब इतने अच्छे हो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती आंसर देने में, क्योंकि बेटा हमने ये लेसन पहले पढ़े भी हुए हैं और हम इसका आज अभ्यास ही कर रहे हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सबसे पहले गद्यांश, यस यतिन आप रीड करो गद्यांश। यतिन है, यतिन जल्दी से बेटा रीड करो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, करो अपने आप को अनम्यूट। यतिन आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। तो फिर जल्दी करो, फिर रीड करो। उन लोगों के दो नाम थे यहाँ से, शाबाश। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक के मंडली। यस, थैंक यू बेटा। दक्ष अरोड़ा, नेक्स्ट आप रीड करिए। दक्ष रीड करो नेक्स्ट, आप यहाँ से होती थी, वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक झांदिया या कभी 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 सिर्फ सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय, जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाहर से झांकने लगती थी और यह विचार
नंग ढंग यह विचित्र, यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। यह जो मुरली थी वो किसी भी प्रकार से जो थी यही पुकार लगाती थी। यस ओके बेटा, थैंक यू सो मच। तो बेटा देखिए, अब इसके हम प्रश्न अगर हम लेसन को, पैराग्राफ को, अनुच्छेद को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न भी हमारे सामने हो, आप उत्तर बहुत जल्दी से दे सकेंगे। गांव से पानी मांगने वालों के नाम क्या थे और ये पानी क्यों मांग रहे थे? मेंढक मंडली से क्या तात्पर्य है? मेंढक मंडली का क्या अर्थ है? मेंढक मंडली में कैसे लड़के होते थे? इंद्रसेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती थी? अब देखिए, गांव से पानी मांगने वालों के नाम क्या थे? मेंढक मंडली या इंद्रसेना? गांव में जब आषाढ़ में पानी नहीं बरसता था, मई जून के महीने में जब पानी नहीं बरसता था या सूखा पड़ जाता था तो उस समय क्या होता था? ये सेना क्या करती थी? लड़के इंद्र देवता से पानी मांगते थे। जब सूखा पड़ने का अंदेशा हो जाता था कि अब सब प्यासे मरेंगे तो उस समय ये लड़के 10 से 12 साल से लेकर 16 18 साल तक के ये लड़के होते थे जो इंद्र देवता से पानी मांगते थे। मेंढक मंडली से क्या तात्पर्य है? मेंढक मंडली का अर्थ है कि जो बच्चे मेंढक की तरह उछल कूद शोर शराबा व कीचड़ करते थे उन्हें मेंढक मंडली कहा जाता था। फिर मेंढक मंडली में कैसे लड़के होते थे? मेंढक मंडली में 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के होते थे। इनका रंग सांवला होता था और ये वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी लंगोटी पहनते थे। ठीक है, इंद्र सेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती थी? फोर्थ क्वेश्चन है, इंद्र सेना के जयकारे की यह प्रतिक्रिया होती थी कि जो भी घरों में बैठी हुई लड़कियां या स्त्रियां होती थी वो छज्जों से बारजों से इस टोली के क्रियाकलाप को, ये टोली किस प्रकार से बोल गंगा मैया की जय, पानी में लथपथ होकर, कीचड़ में लथपथ होकर लौटती थी, इस टोली के क्रियाकलाप को वो देखने लगती थी। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ, राकेश आप पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। राकेश, और जरा बेटा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। राकेश अनम्यूट करो। यस मैम, पढ़ो जल्दी, पढ़ो बेटा। राकेश जल्दी पढ़िए, टाइम इज गोइंग, नो रिस्पॉन्स। गर्व यस, आप रीड करिए इसको। यस मैम, सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुनभुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के दस्तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। वैसी की चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब बाहर जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। लोगों की परेशानी का क्या कारण था? लोगों की परेशानी का कारण क्या था? गांव में लोगों की क्या दशा होती थी? गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते थे? और फिर गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते थे, ये सब इसमें दिखाया, इसमें पूछा गया है। यस, एक मिनट।